मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के 82 लाभार्थियों को लैपटॉप और मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन पुरस्कार राशि का चेक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 20 महिला मंगल दलों में स्पोर्ट्स किट का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान जिन बच्चों ने अपने माता पिता दोनों या इनमें से किसी एक को खोया है था या कोरोना काल में जो बच्चे किसी अन्य बीमारी से निराश्रित हुए थे उन सभी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की। योजना के तहत ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये छात्रवृत्ति स्वरूप दिए जा रहे हैं, जबकि राज्य में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों को प्रतिमाह 2,500 रुपये दिए जा रहे हैं जिनके माता पिता दोनों या किसी एक की मृत्यु कोरोना काल में किसी अन्य कारणों से हुई है। इसी योजना में नवीं या इससे ऊपर की कक्षाओं में पढ़ रहे विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई थी, कोई ऐसा देश नहीं जहां बड़ी संख्या में मौतें न हुई हों। इस संकट की परिस्थितियों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का बेहतरीन मॉडल पेश किया। फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन और फ्री राशन की व्यवस्था की गई। देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज मुफ्त दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना प्रबंधन के दौरान अनेक नवाचार भी हुए। पहले लॉकडाउन, फिर जहां बीमारी वहीं उपचार के साथ भी भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था बनाई गई। कोरोना से जो बच्चे निराश्रित हुए उनकी परवरिश का बड़ा प्रश्न था, इसके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई। बच्चों के भरण पोषण व पढ़ाई के लिए धनराशि खातों में पहुंच जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में 603 बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और 218 को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिल रहा है। 2021-22 में 115 बच्चों को लैपटॉप दिया गया था, आज 82 बच्चों को लैपटॉप प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा लैपटॉप मिलना डिजिटल दुनिया से संवाद बनाने का अच्छा अवसर है। उन्होंने बच्चों को डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़ने के बारे में बताते हुए कहा कि दुनिया ज्ञान का अथाह भंडार है, इससे तारतम्य स्थापित कर लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि कोरोना की त्रासदी को भूलकर नई दिशा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 23 वर्ष होने तक पीएम केयर्स फंड से भी अच्छी धनराशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि माता पिता की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन सरकार से मिलने वाली यह धनराशि आपके लिए संबल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री का मंत्र है, इसी के तहत आज उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बेटियों, संस्थाओं और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गांव-गांव में खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं ताकि बेटियां भी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बने। इसमें महिला मंगल दल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार हर ग्राम पंचायत को स्पोर्ट्स किट देगी। आज 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10-10 बालिकाओं को 5,000 रुपये, 12वीं की जिला टॉपर को 20,000, कक्षा 5 से 6 में बालिकाओं के 100% रिजल्ट वाले 4 शिक्षण संस्थाओं को 10-10 हज़ार, कक्षा 8 से 9 में बालिकाओं के 100% रिजल्ट वाले 4 संस्थाओं को 15-15 हज़ार तथा 10वीं-11वीं में बालिकाओं के 100% रिजल्ट वाले 3 संस्थाओं को 20-20 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन धनराशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा दे रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में बालिका के जन्म से स्नातक स्तर की शिक्षा तक 15,000 रुपये का पैकेज बनाया गया है। बालिका के विवाह योग होने पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 51,000 रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के विद्यालय बेहतर हो चुके हैं। ऑपरेशन कायाकल्प से स्मार्ट क्लास, अच्छी फ्लोरिंग, टॉयलेट, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। सरकार का प्रयास है कि बच्चों में निखार लाकर उनका भविष्य उज्जवल बनाया जाए ताकि वे अपने गांव, समाज, देश की समृद्धि में योगदान दे सकें। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आपको अपनी प्रतिभा सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, इसके लिए खूब मेहनत करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है, सरकार आपकी मेहनत को प्रोत्साहित करने आई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी को होली की बधाई देते हुए कहा कि होली का पावन पर्व भेदभाव भुलाकर उत्साह और उमंग से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा हताशा और निराशा में कोई जीवन नहीं होता है, बुराई त्याग कर हम जीवन में उत्साह और उमंग की तरफ बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देशित किया कि सभी बच्चों को गोरखपुर चिड़ियाघर का भ्रमण कराया जाए। उन्होंने बच्चों को पर्यावरण व जीव संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि मानव के साथ ही जीव जंतुओं से सृष्टि की रचना हुई है,
पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की रक्षा करना हम सबका दायित्व है। चिड़ियाघर घूमने से आप सबका मनोरंजन के साथ ज्ञानवर्धन भी होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल के बाहर परिसर में बेसिक शिक्षा विभाग, बाल विकास परियोजना, चिकित्सा विभाग आदि के स्टालों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने गोद भराई व बच्चों को अन्न प्राशन भी कराया, साथ ही बेसिक स्कूलों के बच्चों से बात कर उन्हें उपहार प्रदान किया। इस अवसर पर सांसद रवि किशन शुक्ला, बांसगांव सांसद कमलेश पासवान एवं गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, महेंद्र पाल सिंह, राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर विमलेश पासवान, प्रदीप शुक्ला, प्रशासन एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों, योजनाओं के लाभार्थियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों व अभिभावकों की उपस्थिति रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री फतेह बहादुर सिंह जी, पिपराइच के लोकप्रिय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख भरुइया श्री संजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख चरगावा श्रीमती वंदना सिंह जी, श्री गोरख सिंह जी, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष श्री रमाकांत निषाद जी, दीक्षित जी, गोरखपुर के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत सभी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। होली जैसे पावन आयोजन की पूर्व संध्या पर HURL हिंदुस्तान उर्वरक एवं यूरिया लिमिटेड के द्वारा, जिसकी आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2016 में रखी थी और जिसका लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी विगत वर्ष ही हुई है, लगभग 31 वर्ष के बाद गोरखपुर उर्वरक निगम लिमिटेड का जो HCI का कारखाना था, वहां पर आज HURL के द्वारा फिर से उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले की तुलना में ज्यादा क्षमता के साथ कम जगह पर यह खाद कारखाना चल ही रहा है। 100% से अधिक उत्पादन भी दे रहा है और उससे भी महत्वपूर्ण बात है, आप देख रहे होंगे पिछले एक वर्ष से अधिक समय से खाद की कोई किल्लत नहीं हो पा रही, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के दौरान किसानों को समय पर खाद मिले, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी, उसके अनुरूप यह कार्य अब HURL ने यहाँ प्रारंभ किया है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और आसपास के राज्यों में।
जहां एक और यहां पर खाद उत्पादन का कार्य इस कारखाने के द्वारा प्रारंभ हुआ है, वहीं अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं को आगे बढ़ाते हुए अनेक उन कार्यक्रमों के साथ जो समाज में लोक कल्याणकारी माने जाते हैं, शिक्षा के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इन सभी कार्यक्रमों को गोद लेकर के आज HURL प्रारंभ कर रहा है। इसी क्रम में 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में PICU की स्थापना, ये पीडियाट्रिक ICU है, छोटे बच्चों का जो ICU होता है, उस ICU के निर्माण के लिए आज HURL ने सहयोग किया है, जिसमें से आज 2, एक जंगल कोड़िया का है ये सामुदायिक केंद्र, जिस चोटी जाम गांव में यहां पर आज हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं, और दूसरा चरगावा विकास खंड में पुठन गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यह यहां की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इसलिए भी आवश्यकता है क्योंकि हम सब जानते हैं इस क्षेत्र ने एक लंबे समय तक मस्तिष्क ज्वर की बीमारी को झेला है। 1977-78 में जो बीमारी यहां आई थी, 2017-18 तक लगभग 40 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से हुई थी, और बीमारी का कारण था कि समय पे उपचार न मिलना। बीमारी के बचाव के लिए 2017-18 में जब हम लोगों ने प्रदेश में कार्यक्रम प्रारंभ किया, स्वास्थ्य की सुविधाओं की वृद्धि की, हर जनपद में जिला अस्पतालों में कुछ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस प्रकार के PICU और मिनी PICU का निर्माण किया, आज उसका परिणाम है कि 96% मौत को हम लोग नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त हो चुकी है। जहां पर 1200-1500 मौत हर वर्ष होती थी, आज उस संख्या को घटा करके हम लोग लगभग 0 पे लेके आ गए हैं, लेकिन अभी सतर्कता बरतनी होगी और उस दिशा में स्वास्थ्य की सुविधा की अभिवृद्धि करने के लिए आज यहां पर मिनी PICU का यह उद्घाटन किया जा रहा है। यद्यपि उपचार में सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको बचाव पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बीमारी ही ना हो उसके लिए स्वच्छता के प्रति जागरूकता, शुद्ध पेयजल के लिए हर घर नल की योजना लागू हो रही है, घर घर शौचालय बन रहे हैं, जिन लोगों के घरों में शौचालय बनाए गए हैं लोग उसका इस्तेमाल करें, साफ रखें, गांव में साफ सफाई का कार्यक्रम ग्राम प्रधान और गांव के जागरूक लोग करें, समय समय पर छिड़काव हो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग भी, ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है। उस सब के बावजूद या समय समय पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को और नवजात शिशुओं को लगाई जाने वाली टीकों के कारण एक बड़ा अभियान चल रहा है। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में प्रयास करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना भी चलाई है। संचारी रोग नियंत्रण करने के लिए वर्ष में 3 से 4 बार संचारी रोग नियंत्रण के लिए विशेष अभियान उत्तर प्रदेश सरकार चलाती है। उस सब के बावजूद स्वास्थ्य की सुविधाएं जितनी मजबूत होंगी, हम शिशु मृत्यु दर को, मातृ मृत्यु दर को उतना ही नियंत्रित भी कर पाएंगे, और उसे नियंत्रित करने की दिशा में यह एक प्रयास और अच्छे सिरे से हुआ है, जिसमें अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आज HURL के द्वारा जनपद गोरखपुर में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक पीडियाट्रिक ICU की अपने यूनिट का उद्घाटन का कार्य यहां पे संपन्न हुआ है। मैं प्रदेश सरकार की ओर से HURL और उनके पूरे प्रबंधन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज जंगल कोड़िया विकास खंड और चरगावा विकास खंड को यहां पर 2 PICU यहां पर प्राप्त हुए हैं। यहाँ के
गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने कार्यदायी संस्था के रूप में इस पे कार्य किया है और 3 वर्ष तक इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी वह लेगी। विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सर्विलांस जितना अच्छा होगा, पेशेंट को समय पे उपचार उपलब्ध कराना, ENM को, आशा वर्कर को इसके साथ जोड़ना, और अगर कोई बीमार हो गया तो लापरवाही करने की बजाय तत्काल डॉक्टर से राय लेकर के उपचार कराना, तो मुझे लगता है कि हम बहुत बड़े पैमाने पर बीमारी को स्प्रेड होने से बचा सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं, नवजात शिशुओं की जान बचा सकते हैं। यह एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। मुझे विश्वास है कि इन 2 की तर्ज पर अगले 3 महीनों के अंदर शेष 15 जो पीको बनने हैं उनको भी HURL समय पे बनवा करके उत्तर प्रदेश की जनता को देगी, क्योंकि मध्य जुलाई के बाद से इंसेफ्लाइटिस के मामले आने प्रारंभ होते हैं और कोरोना जैसी महामारी के समय तो इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता थी। कोरोना के पहले की स्थिति यूपी में क्या था? 36 जनपद ऐसे थे जहां एक भी आईसीयू के बेड नहीं थे। आज यहां पे बच्चों के 3 आईसीयू बेड यहां पर आ चुके हैं केवल इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। और उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 150 बेड थे हमारे पास पूरे प्रदेश में, आज हमारे पास लगभग 7000 आईसीयू के केवल बच्चों के आईसीयू के बेड्स हैं। ये चीजें दिखती हैं कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत किया है। कोरोना ने एक अवसर भी दिया है हमें अधिक से अधिक सुविधाओं को सृजित करने के लिए, लेकिन इन सब को आगे बढ़ाना, इसके माध्यम से बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना ये आज की आवश्यकता है और हर एक नागरिक का इस पे अधिकार भी होना चाहिए कि उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो। इसमें सरकार भी सही रहेगी, सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है, लेकिन इस प्रकार के संस्थान जब मिलकर के उसमें सहयोग करते हैं तो अपने CSR की धनराशि का इस प्रकार के कार्यों में उपयोग करते हैं तो बहुत बड़ी जनता उससे लाभान्वित होती है। जंगल कोडिया विकास खंड की लगभग 2 से 2.5 लाख की आबादी यहां से और 2 से 2.5 लाख की आबादी चरगावा में इससे लाभान्वित होगी। मैं इसके लिए HURL को, उनके प्रबंधन को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और यहां की जनता को इस उपलब्धि के लिए हृदय से अभिनंदन और बधाई देते हुए आप सबके प्रति होली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद।